नमस्कार, आप देख रहे हो वन टीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार। सुबह के 9:30 बजने वाले हैं और हम पहुंच चुके हैं बाबा गणिनाथ के दरबार। और ये बाबा गणिनाथ के दरबार से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, यहां पर तमाम भक्तगण, तमाम श्रद्धालु यहां पहुंच चुके हैं और बाबा गणिनाथ की पुण्योत्सव को लेकर के जो है सो यहाँ पर पूजा अर्चना की कलश यात्रा के बाद निकाली जाएगी। यहाँ पर दुकानें सजी हुई है, यहाँ पर तमाम भक्तगण पहुंचे हुए हैं, ये तमाम कन्याएं यहाँ पर मौजूद है, कलश यात्राएं करेंगी। कन्हैया पोखर में जल भरने के बाद जो है सो पूरे गांव का भ्रमण करने वाली है। ये तमाम कन्याएं यहाँ मौजूद है, लगभग 300 कन्याएं यहाँ पर मौजूद है और ये 300 कन्याएं आज पूरे गांव का भ्रमण करेंगी और पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्र उच्चार कर पोखर में जल भरा जाएगा और वहां से सभी कन्याएं कलश यात्रा के लिए रवाना होंगी और पूरे गांव का भ्रमण करते हुए वापस ये मंदिर परिसर में पहुंचेंगी और वहां से फिर पूजा अर्चना की तैयारी की जाएगी। ये तमाम तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं सिंगिया से। और ये देखिए, बाबा गणिनाथ की जो है सो ये मंडप बनाई गई है और ये बाबा गणिनाथ की ये तस्वीरें। ये सजा हुआ मंडप बाबा गणिनाथ की और ये तमाम कन्याएं यहाँ पर मौजूद हैं। दुकानें भी सजी हुई हैं यहाँ पे, हालांकि मेला भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये बाबा गणिनाथ दरबार का ये पंडाल खूबसूरत सजा हुआ और ये तमाम कन्याएं कलश यात्रा के लिए निकलती हैं। ये देखिए, देखिए सभी कन्याएं कलश यात्रा के लिए निकल चुकी हैं यहाँ से और ये तमाम कन्याओं की भीड़, सभी कन्याएं निकल चुके हैं। बाबा गोविंद के, बाबा गोविंद के कलश यात्रा के लिए मंदिर से प्रारंभ हो चुकी है। कलश यात्रा मंदिर से कंदी और तरफ काम कर रही है, इसलिए आप जहां भी हैं इस कलश यात्रा में शामिल हो जल्द से जल्द मंदिर से कन्हैया को भगत के इस कार्यक्रम में शरीक हो जाए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पे तमाम कन्याएं जो हैं सो यहाँ पे कन्हैया पोखर के समीप पहुँच चुकी है और यहाँ पर पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार किया जा रहा है, पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है और ये तमाम कन्याएं अब कलश में जल भरने के बाद पूरे गांव भ्रमण के लिए निकलेंगी। ये कन्हैया पोखर से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम कन्याएं मौजूद हैं और कलश में जल भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।